हेलो भाई। हाँ, आज बात करेंगे भैया रीफ राजस्थान की। जी भैया, राजस्थान वाले चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अपने अपने चॉइस डाली भैया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, हाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी, अजमेर, सीकर, नागौर, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाए, कौन सा कॉलेज, कौन सी चॉइस, हाँ CSE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, रबर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या करे भैया, कौन सा में स्कोप है, हमको नौकरी चाहिए भैया, बेरोजगार नहीं बैठा है। आज अगर बात करें पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में है। हाँ जी, आज सेकंड नंबर पे आता है हमारा यूपी। हाँ जी, बेरोजगारी के अंदर बिहार, अब वैसे इसका बहुत बड़ा रीजन भी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर, बात करेंगे यार राजस्थान की। हाँ जी, वैसे तो टोटली 7 से 8 अच्छे कॉलेज है जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। खैर, उसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे भैया इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। हाँ जी, 99.9% बच्चों का इन कॉलेजेस में नहीं होगा। हाँ जी, फिर बाकी बच्चे में क्या करें, क्या कुछ करें ना, बिल्कुल बेरोजगार बैठे रहे या फिर कम से कम डिग्री तो लें, और अगर नहीं हो रहा तो फिर एक्स्ट्रा क्या अदर ऑप्शन है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। हाँ जी भैया, हम धंधा करने वाले लोग हैं। हाँ जी, पिसो धंधो व्यापार है, दुकान मकान, ये तो हमारी खावत है ना, लोग वैसे बोलते हैं हमको, अब क्यों ना हम लोगों को ऐसा करके दिखाए। हाँ, इंजीनियर का नया इंजीनियर, हाँ जी, देश के अंदर एक नई उमंग देखने को मिले, वो भी राजस्थान के इंजीनियर्स के लिए। खैर, आज बात करेंगे राजस्थान की। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ, टोटली बहुत अगर बात करूं तो हमारे राजस्थान के अंदर वैसे तो मुझे याद भी नहीं है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अब अगर पहले कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात कर लेता हूं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। हाँ जी भैया, MBM जोधपुर। हाँ जी, अब वैसे तो पहले कुछ आपको कोर्सेज के बारे में जान लेना चाहिए भैया। ऐसी बहुत सारी ब्रांच है जो की आज से 6 साल बाद बिल्कुल नहीं चलेगी, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे पास नौकरी ना हो भैया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, अब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई और तुम्हारी नौकरी कहा गई, उस टाइम पे अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे तुम? हाँ जी, क्या करोगे उस टाइम पे, कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे सीखोगे, नौकरी पैसा दुकान मकान क्या करोगे उस टाइम पे, कहाँ से नौकरी लाओगे? इसलिए अभी के टाइम पे जरूरी है भैया अच्छी ब्रांच चूज करो जिसका फ्यूचर में स्कोप। हाँ जी भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा ये वैसे वर्क क्या करती है। जी, आजकल लल्लू लाल काउंसलर बहुत आ गए भैया। हाँ जी, अब मैं इस लल्लू लाल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तुमको गाइड कर दूंगा रीफ राजस्थान जोसा काउंसलिंग, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, तुम्हारी रैंक पर क्या है। हाँ जी, उसके खुद के पास नौकरी नहीं है, खुद को जॉब का कोई सलीका नहीं है, और वो 200 रुपए लेके तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर रहा है और बेरोजगार बना रहा है तुमको। हाँ जी, पहले कुछ बात करते हैं हमारे जॉब्स के बारे में, थोड़ा फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आज से 3 साल पहले एक एवरेज ह्यूमन 60 मिनट स्पेंड किया करता था मोबाइल पे। हाँ जी, आज स्पेंड कर रहा है कम से कम 6 घंटे। हाँ जी, एवरेज है 6 घंटे, और आप जैसे लल्लू लाल लोग 12-12 घंटे, पूरे 2400 घंटे मोबाइल पे गुजारे भैया, रील देख के। हाँ जी, इससे क्या हो रहा है, ऑनलाइन जमाना बढ़ रहा है, तुम्हारी सारी डिटेल जा रही है, तो उससे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हाँ जी, अब तो पहले आपको थोड़ी इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा अच्छे ब्रांचेस बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ जी, बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है आजकल। मशीन लर्निंग, हाँ जी, ML जिसको बोलते हैं। हाँ जी, आप EIDS ले लो, हाँ जी, आप CSE ES ले लो। हाँ जी, आप और कौन सी ले भैया? हाँ जी, आप कौन सी लो, आपके कोई कॉलेज सोलर वाला करा रहे भैया? हाँ जी, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसके अंदर आप जा सकते हो भैया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हाँ जी, राजस्थान में नहीं वैसे प्राइवेट कॉलेजों में कुछ नहीं है, एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल, हाँ, एस्ट्रोनोटिकल, ये कोई भी दे रहा है आप उसके अंदर जा सकते हो भैया। हाँ जी, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल कभी खत्म नहीं हो सकता, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन बहुत बन रहा है आजकल। हाँ जी, चारों ओर कोठी बंगले ही बन रहे हैं, देश के हर कोने में जाओगे नई प्रकार की बिल्डिंग खड़ी है। हाँ जी भैया, आज गिफ्ट सिटी जैसे सेंटर बन रहा है आज देश के अंदर, धोलेरा जैसी नई स्मार्ट सिटी बन रही है, नोएडा जैसी फिल्म सिटी बन रही है, तो इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अच्छे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। हाँ जी, और कौन कौन सी इंजीनियरिंग बात करेंगे, खैर आगे तो सबसे पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे कॉलेजों की बात करूंगा। नंबर 1 पर हम लेकर आते हैं जोधपुर चले जाओ, हाँ जी, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, उसके बाद हमारे जिलों के शहर आ जाओ, आप जिलों के शहर उदयपुर में आ जाओ, आप CTI उदयपुर। हाँ जी,
वैसे समा चाहता हूँ, आपको बहुत बुरा लगेगा। आप अगर उदयपुर जाओगे, आप सीकर जाओगे, नागौर जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, यहाँ पे इन जैसी लोकेशंस पे प्रॉब्लम क्या है? कॉलेजेस तो है वैसे आज देश के अंदर, राजस्थान में ऑलमोस्ट 7 से 8 कॉलेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे इंटर्नशिप, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, इंफ्रा और इंक्यूबेशन, हाँ जी, ये मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ जी भैया, कोई जो है वहाँ पे रहके, कोई उदयपुर में रहके अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, लेकिन उसको नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? उसके पास फैसिलिटी नहीं है भैया। हाँ जी, उसको इंटर्नशिप चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कहाँ पर जाएगा? उसको ना वहाँ पे वीसी मिलेगा, बैंकों को खुद को नहीं पता भैया ये फंड क्या होता है। हाँ जी, ये जो लोकल बैंक होते हैं वो खुद लोन देते हैं, वो भी 10 बार डॉक्यूमेंट चेक करके किसानों को लोन देते हैं भैया। हाँ जी, वो तुम्हारे स्टार्टअप को क्या फंड करेंगे? हाँ जी, वहाँ पे कोई स्टार्टअप ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, हाँ जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करोगे कैसे? इंटर्नशिप मिलेगा कैसे? और अगर तुमको कहीं मिल रहा है तो या तो ट्रेन में बैठ के जाओ या फिर फ्लाइट पकड़ के जाओ। हाँ जी, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली, इंडिया का वो भी, मुंबई, पुणे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया? लोकेशन अच्छा चूज करो। हाँ जी, तुम जयपुर में रह रहे हो, कोई बात नहीं, जयपुर में कोई फैक्ट्री है, वहां पर तुम्हारा इंटर्नशिप लग गया, ट्रेनिंग लग गया, जॉब लग गया, वीसी मिल गया कोई, हाँ, स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया, अच्छा, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी निकल पड़ी। वही अगर तुम सीकर में रहे, नागौर में रहे, अजमेर में रहे, भीलवाड़ा में रहे, तो फिर तुम रामपुर की जगह पुर ठेला लगाओगे और वो सारा का सारा काम करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आप जो है, जैसे कुछ जो बेकार डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में बात करूंगा, जैसे कि सिरोही, नागौर, राजसमंद, हनुमानगढ़, हाँ, सवाईमाधोपुर, करौली, चूरू, ये डूंगरपुर, झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, बांसवाड़ा, बीकानेर, हाँ, ये क्या स्टेट है? हाँ जी, ये थर्ड टायर्ड सिटी से भी बुरी स्टेट है। हाँ जी, इनके अंदर ना तुमको इंक्यूबेशन, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। हाँ जी, तुमको मिलेगा बेरोजगारी, प्रोफेसर की डांट, हाँ जी भैया, आज लाइट नहीं आएगी हमारे हॉस्टल के अंदर, और तुम्हारा असाइनमेंट है और अब ये छुट्टियां लग चुकी है। हाँ जी, वैसे बिट्स पिलानी झुंझुनू के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पास इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, उसके पास सब कुछ है। हाँ जी, खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ रीप राजस्थान की, तो आप रीप पे ही ध्यान दो। वैसे तो देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर IIT भी है, हाँ जी, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उनके पास उनके खुद की फैसिलिटी है। आप अगर लोकल कॉलेज में जा रहे हो तो आपको अपने स्टेट के चारों ओर देखना पड़ेगा भैया। हाँ जी, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखना पड़ेगा वो क्या फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि आपका लल्लू लाल कॉलेज आपको कुछ नहीं दे रहा होगा। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, पास में कोई फैक्ट्री है, पास में कोई सेंटर है, हाँ जी, पास में कोई बैंक है बड़ा, पास में कोई बड़े लोग रह रहे हैं, वो आपको देखना पड़ता है। लेकिन जो बड़े कॉलेज होते हैं वो खुद ही अपना सारा लेकर आते हैं भैया, वो तुमको बैंक, VC, फंडिंग, इंफ्रा, इन्वेस्टर, इंक्यूबेशन, सब कुछ, सारा का सारा, जो बड़े अच्छे कॉलेज होते हैं वो ला के देते हैं, और जो लल्लू लाल कॉलेज होते हैं उसमें आपको ढूंढना पड़ता है भैया। हाँ जी, मेरे जैसे लल्लू लाल लोग अगर सीकर पहुंच जाए, नागौर पहुंच जाए, हाँ, भीलवाड़ा पहुंच गए कोई, हाँ जी, भरतपुर, जैसलमेर, पाली, बूंदी, बाड़मेर अगर चले गए, हाँ, बिस्लेरी का पानी लेने में भी भैया 40 रुपए लग जाएंगे, और पानी मिलेगा भी नहीं। हो सकता है ऊंट आई और बोले भैया बिस्लेरी चाहिए, अब तो ये सारा का सारा सीन रहता है। आप इन सब से बच के रहो। अब खैर, जो आप जोधपुर के अंदर MBA एक अच्छा कॉलेज है, उसके बाद में CTI उदयपुर भी एक काफी ठीक ठाक कॉलेज माना जाता है, RTU कोटा भी काफी सालों से चलता आ रहा है। हाँ जी, वैसे अगर आप लोगों के पास अच्छे आइडिया वगैरह है तो कोई बात नहीं, आप दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा निकल जाना, कोई बात नहीं, ट्रेन वगैरह पकड़ लेना तुम, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। उसके बाद में अगर बात करूँ, अजमेर के अंदर भी एक ठीक ठाक कॉलेज माना जाता है, वैसे उसके पास भी इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन, फंडिंग कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप जयपुर में हो तो दिल्ली, वहां से थोड़ा 1.5 घंटे पड़ता है, उधर की तरफ जा सकती हो। हाँ, वैसे प्रॉब्लम तो बहुत आता है भैया। हाँ, अगर आप अच्छे शहर में रह रहे हो, तुमको इंटर्नशिप करने में बहुत मजा आ जाता है, फैसिलिटी मिल जाती है, मेट्रो मिल जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए स्टार्टअप, नए नए लोग। अब लेकिन जो थर्ड टायर्ड सिटी है, हाँ जी, ये जैसे जोधपुर हो गया, हमारा अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन राजस्थान वाले बच्चों के पास बहुत सारे इश्यू रहते हैं भैया। अब वैसे आप लोगों के बहुत सवाल होंगे भैया, हाँ, ये इतना तो ठीक है, हाँ, हमको ये सीकर, नागौर, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, यहाँ पे नहीं रहना, हम भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं भैया, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, अब मुंबई, पुणे, इसके लिए हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज है, वहाँ के कॉलेज क्या कम रेंट में मिल जाएंगे हमको, हाँ जी, उनकी क्या फीस रहती है वैसे, और खैर, आपको एक बहुत बड़ा
बड़ा सवाल ये होगा, अब ये हमको कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके बाद में एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एविएशन, इसके अंदर हम कैसे जा सकते हैं भैया? डोंट वरी, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम भी आज हम ही रन कर रहे हैं। बोर्ड लाइन नंबर दे रखा होगा, आप उसके कॉल कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, चाहे वो रीप हो, जोसा हो, एमपीडीटी हो, एमएसटीसीटी हो, हाँ जी पंजाब हो आपका, आपका उत्तराखंड हो, आपका गुजरात हो, सपनों का शहर, हाँ जी आप कहीं भी जाना चाहते हो, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप लोग जो है जरूर से हमारे पास आ सकते हो भैया। इसके साथ में आप अगर एक लोकल शहर से, हाँ जी अब वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन तो आपको लेना पड़ेगा, वो कॉलेजेस क्या करते हैं आपको एक चलाते हैं भैया, हाँ तू सिक्कर का अभी तू सिक्कर में पढ़ ले, अच्छा नौकरी के बाद में देख लियो, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लियो, तू नागौर में, तू हनुमानगढ़ में, राजस्थान के वैसे बहुत प्यारे लोग होते हैं। घर वाले मेरे को भी ऐसे ही बोलते थे, अरे मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने दूंगी, यहीं पर रह लेगा, यहीं पे पास ही के शहर में पढ़ ले, खाना तो खाएगा कम से कम। अगर आप ऐसे शहरों से हो भैया, हाँ जी आपके लोकल कॉलेज है, हाँ आपके कॉलेजों में इंफ्रा, इंक्यूबेशन, इन्वेस्टमेंट फंडिंग ऐसा कुछ नहीं चलता, हाँ जी आपके शहरों में भी ये हैकेथॉन, बड़े बड़े प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, बड़े बड़े टीचर, आप बड़े बड़े सेमिनार ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ आपके भी शहरों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ये इन्वेस्टमेंट फंडिंग, इंफ्रा टेक्नोलॉजी, जॉब प्लेसमेंट के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, अब तो कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्लेसमेंट प्रोग्राम भी कॉलेज जानकर रन करता है। वैसे उसका सारथी प्रोग्राम क्या है थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। हाँ जी आप जैसे लल्लू लाल कॉलेजों में जाओगे, आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोफेसर का असाइनमेंट, प्रोफेसर की डांट, हाँ जी असाइनमेंट नहीं किया तो फेल कर दूंगा, नंबर कम आए तो फेल कर दूंगा। लेकिन कॉलेज जानकर का जो सारथी प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या करता है, जो इंडस्ट्री के अंदर जॉब चल रही है भैया, हाँ जी एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, उसके बाद में फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, ट्रेडमार्क, ऑडिटिंग, हाँ जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ये क्या करता है कॉलेज जानकार का साथी प्रोग्राम तुमको सिखा देता है भैया, हाँ जी वो भी पूरे 6 महीने के अंदर, वो भी सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर, हाँ तुमको इंटर्नशिप भी दिला देंगे 1 साल के अंदर। भैया तुम तो एक्सपीरियंस हो गए, कोई बात नहीं, तुमने किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई किया, तुम्हारे पास स्किल है और डायरेक्टली तुमको जो जॉब मिल जाता है, जी डायरेक्टली तुमको जॉब मिल जाता है, बहुत आसानी से जॉब मिल जाता है। और लल्लू लाल कॉलेज ने क्या किया, तुमको डिग्री दे दी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा दिया और कोई बात नहीं तुमको नौकरी भी मिल गया। आपको कैसा लगा कॉलेज जानकार का ये प्रोग्राम, आपको भी अगर इंटरेस्ट है, आप भी अगर एक लल्लू लाल कॉलेज से हैं तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज जानकार का सारथी प्रोग्राम। थैंक यू।